ज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पढ़ेंगे और आप समझेंगे इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं बी सी एस जीरो फोर्टीन वन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन कि आप इसको कैसे कंप्लीट करोगे आ, इसमें ब्लॉक वाइज यूनिट वाइज मैंने क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं और आप लोग कहोगे तो मैं आंसर्स भी अपलोड कर दूँगी बाय द वे ये इजी सब्जेक्ट है आप लोग आसानी से निकाल निकाल लोगे बट होता क्या है कि बहुत लोग ये चीज़ को आसानी में लेकर और ये बैक लगा लेते हैं तो ये उतनी भी आसान नहीं है और उतनी भी हार्ड नहीं है तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक वन का एक्चुअली यूनिट वन में जो आपका ब्लॉक वन है यूनिट वन में आपके लिए बस मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट बिटवीन पैरेलल एंड सीरियल कम्युनिकेशंस और इसके एग्जाम्प पैलर और सीरियल कम्युनिकेशन आपको आ, देख लेने हैं ठीक है थीके? मैं इसके सोल्यूशन भी लाऊंगी आप लोग कहोगे तो नीचे कमेंट में करके बताना है जिसको सोल्यूशन चाहिए ऑलरेडी इसके सोल्यूशन है मेरे पास बनाने नहीं पड़ेंगे यूनिट टू के में आपको ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंगल मॉड्युलेशन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन फेज मॉड्युलेशन और इसके ए एस के एफ एस के पी एस के तो ये सारे इंपॉर्टेंट है ये जो रेड मार्क कर रखा है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके जो मतलब टच करने ही करने हैं और आपको बेहतर नंबर लाना है तो आपको ये ब्लैक वाले भी आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे ब्लैक लाइन वाले क्वेश्चन नंबर वन डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन निकालना है एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन वाला जो पार्ट है ना वो आप लोग कन्फर्म कम्प्लीट कर लो क्योंकि हमेशा ये शॉर्ट नोट्स में आपको भी मिल जाता है पूछ देते हैं कभी 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 डिफरेंस बिटवीन भी पूछ देता है एस के और एफ एस के तो आप लोग क्लियर कर लेना और देखो ये जब आप एंगल मॉड्यूलेशन क्लियर कर लोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर कर लोगे डिफाइन द एंगल मॉड्यूलेशन और विथ वाट द टाइप्स इज दिस लिमिटेशन एडवाटेज डिसएडवांटेज है ना वो सब आप क्लियर कर लोगे तो एक आप जो डिफरेंस बिटवीन करते हो ना उस चीज में आपको तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं एक तो कि आप एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन को कंप्लीट कर लेते हो दूसरा कि आप एक डिफरेंस बिटवीन भी निकाल लेते हो आप अगर डिफरेंस बिटवीन का एक uh, कॉम्बिनेशन याद करते हो तो एंड थर्ड एडवांटेज भी आप लोग देख के आराम से निकाल सकते हैं ठीक है थर्ड में कंपेयर एंड कॉन्टेक्ट बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रेज मॉड्यूलेशन तो सिंपल सी बात है कि आप डिफिनीशन याद करोगे तो डिफरेंस बिटवीन भी याद हो जाएगा लेकिन डिफरेंस बिटवीन याद करने से तीन फायदे हैं जो जैसे कि अभी मैंने आपको लोग को बताया वट इज द प्रॉब्लम विद द पी एस के पी एस के साथ एक इशूज uh, होते हैं उसको आपको लिखना है कि कौन से इशूज होते हैं एंड वट आर फोर क्यूपी के एस एंड एट पी एट क्यूपी के एस ठीक है सॉरी एस के थर्ड में आपको बताता यूनिट थर्ड में आपको ब्लॉक वन में फोर यूनिट मिलेंगे ठीक है यूनिट थ्री में आपको बताता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग मैसेज स्विचिंग सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग ठीक है ये ये जो चीज़ें हैं मल्टीप्लेक्सिंग और स्विचिंग का जो आ, है वो डिफिनीशन्स वगैरह वो आप लोग याद कर लेना आप चाहो तो मैं अभी आ, कमेंट करोगे तो मैं आ, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी एक दो दिन के अंदर ही क्योंकि बस पी बनाना होगा मुझे आई हैव

यूनिट फोर में आपको देखा जाता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ पैरल एंड सीरियल ट्रांसमिशन डिवाइस ट्रांसमिशन डिवाइस में भी आपका पैरल और सीरियल का सीरियल का आ, आ, एक डिवाइस कंप्यूटिंग नेटवर्क में नेटवर्क में पूछा जाता है तो आप इसको भी देख लेना रेड मार्क्स वाला रेड मार्क वाला तो आपको छोड़ना ही नहीं है पहली बार आपको अच्छे नंबर चाहिए तो ब्लैक वाला भी करना पड़ेगा इसमें डिफरेंस बिटवीन निकालना होता है गाइड और अनगाइडेड मीडिया का ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें और देखो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन यूटीपी एंड एस ये इस चीज को भी निकालना है फाइबर ऑप्टिक्स केबल को भी निकालना है एंड डिफरेंस सिंगल मूड एंड मल्टीपल मूड को भी डिफरेंस करना है डिफ्रेंटिट different, करना है ठीक है ब्लॉक टू में देखते हैं क्या क्वेश्चन है ब्लॉक टू में जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप कभी फोकआउट मत करना ठीक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बस टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी मैस टोपोलॉजी ट्री टोपोलॉजी ये सब चीज़ को बिल्कुल मत छोड़ना आप एक डिस आप डिसएडवांटेज और एडवांटेज याद करोगे तो आप आसानी से डिफिनीशन <सथा> को मेंटेन कर लोगे अगर आपके पास वो इमेजिनेशन uh, बनाने की क्षमता है तो एडवांटेज एडवांटेज से तो आप इस चीज़ों को डिफरेंट इन दोनों की इन सब के बीच डिफरेंस बिटवीन बीक को भी आप रट लेना बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं कंपेयर बस टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी और ये जो टोपोलॉजी आप बनाने जाओ ना तो कभी भी आप इसका डायग्राम मिस इस मत करना क्योंकि डायग्राम ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी बर्स टोपोलॉजी कंपेयर टोपोलॉजी सारी चीज में सॉरी कंपेयर नहीं सारी चीज मेडिंग टेक्लोजी में मैं आपको बनाने ही बनाने होते हैं डायग्राम तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं यूनिट टू में है आप लोग पढ़े होंगे बीसीएस इलेवन में ओ एस आई मॉडल ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ करके ऐसे है वो आपको याद करना है नोट बनाने हैं ठीक है डिस्कस इंपॉर्टेंट ऑफ एफ टी पी एन एफ एस इस सारी चीजों को डिस्कस कर लेना है मतलब डिस्कस क्या इंपॉर्टेंस दो तीन लाइन का डिफिनेशन याद कर लेना है बस काफ़ी होता है ठीक है और इसके बीच टी सी पी का आईपी एड्रेस जो है मॉडल वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था बेसिस इलेवन में भी और इसमें भी इम्पोर्टेंट है तो आप मिस मत करना ये जो बुक है ना आपका बीसीस इलेवन से बहुत मैच करेगा बहुत ज्यादा मैच करेगा ठीक है तो आप बिल्कुल भी मिस ना करना और हमारे साथ बने रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ठीक है डिफरेंस बिटवीन ओ एस आई मॉडल एंड टी सी पी आई पी मॉडल इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी मजमत करना और आसान है ज़्यादा हार्ड नहीं है बट ये जो टी सी पी है ना उसको आपको एक पेज में करना पड़ेगा बिकॉज वो एक पेज का ही आंसर्स है तो आप एक एक डायग्राम बनाना उसमें एडवांटेज एडवांटेज को ऐड कर देना और डिफिनेशन बताना कि क्या है क्यों है क्यों लाया गया बस इतना काफी होता है ठीक है वट इज डिस्कस द मैसेज कैटेगरी ऑल्सो गिव एटलीस्ट टू एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल भी आप लोग देखना एटलीस्ट दो मत देखना फाइव देख लेना क्योंकि पूछ देता है ठीक है एक्सप्लेन दर्किंग ए आर पी यूजिंग डायग्राम ए आर पी का uh, बताना है कि वट द यूज इज इज इट इट इज एंड यूजिंग डायग्राम डायग्राम के साथ आपको बताना है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आर ए आर पी ठीक है ए आर पी और आर ए ए आर पी में आपको एक्सप्लेनेशन डिफरेंस बिटवीन का भी देना है और ये जो है ना यूनिट थ्री का जो एस सी आर सी है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एक न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका लिंक मैंने डाल रखा है कि कैसे इसको सॉल्व करते ये दस मार्क्स का होता है और स्टूडेंट ये सोच के छोड़ देते कि यार हार्ड है कैसे होगा नहीं होगा ठीक है तो ये बहुत हार्ड नहीं है बहुत ही इजी है आपको बस Uh, क्या करना है नहीं करना है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन uh, बॉक्स में लिंक दे दिया है या आई बटन पे आप क्लिक करके भी जा सकते हैं उसमें इसका हम बता चुके हैं कि कैसे होता है दो पेज में बनाना होता है आई मीन दो पेज का आंसर हो जाता है बट बहुत इजी है आपको इस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी ठीक है इसका एल्गोरिदम भी पूछता है एल्गोरिदम भी आप लोग बताना कि क्या है एंड यूज द डेमोस्ट डेमोन्स्ट्रेट मेथड एरर चेकिंग एरर चेकिंग को भी आप चेक करना मैंने सब बता रखा है आप लोग जाके प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना ऐसे क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन करे हुए हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए ठीक है और हाँ uh, मैंने क्वेश्चन uh, पेपर भी सॉल्व किया जून 2016 का वो भी आप लोग जाके कर चेकआउट कर लेना वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है यूनिट थ्री में यूनिट थ्री से आपको ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं एंड स्टॉप and wait protocol, sliding windows protocol, go back and protocol, selective repeat protocol, pure aloha, slotted aloha, C S aloha. इस सारी चीजों को बिल्कुल मैं समझ करना और E I triple triple E वाला का short notes, token passing भी है और डिफरेंस बिटवीन प्योर अलोहा और स्लॉटेड uh, अलोहा को भी बताना है तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके कुछ न्यू मेडिकल क्वेश्चन होते हैं तो इसको अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है लेक्चर uh, वीडियोस में तो आप लोग वहाँ कमेंट uh, करके बताओ कि इसको भी सॉल्व करना है या नहीं करना तो मैं इसके भी वीडियो बना के लाऊंगी बना दूंगी बहुत ईजी है ये भी टेन मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं यूनिट फोर में आपसे पूछता है राइडिया सिग्निफिकेंस एंड और...

ऐसा नहीं है कि आपको ये बुक नहीं पता है क्या है नहीं है आपको सब पता है आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है तो ये बिल्कुल भी मत कहना कि यार मैंने नहीं पढ़ा मेरे लिए बिल्कुल नहीं है ये वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ठीक है ब्लॉग थ्री में आपसे पूछता है यूनिट वन के लिए कि कंपेयर एंड बिटवीन विजुअल सर्किट एंड सर्किट स्विचिंग ये चीज़, ये चीज़ को आपको डिफरेंस और कंपेयर का मतलब एक ही हो गया कि कंपेरिजन और डिफरेंस बिटवीन करना है एक दूसरे के बीच तो वो एक ही हो जाएगा आप डिफरेंस बिटवीन भी याद कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा ठीक है डिफरेंस बिटवीन अडेप्टिंग एंड नॉन अडेप्टिंग रूटिंग रूटिंग को आप मोस्टली देख लेना क्योंकि अडेप्टिंग और के अलावा भी दो तीन और रूटिंग है तो आपको उसमें डिस्कस करना पड़ेगा ठीक है राइट द स्टेप दिस्टेंट वेटिंग रूटिंग एल्गोरिथम ठीक है डिस्ट वेटिंग रूटिंग का रूटिंग uh, का एल्गोरिथम बताना होता है एंड इसको दो तीन एग्जाम्पल के साथ इसको बताना ये भी बताना होता है कि हाउ इट्स वर्क ठीक है सी एग्जाम्पल दे रखा है कि गिवन एग्जाम्पल टू शो इट्स वर्किंग ठीक है? और देखो। और देखो, हाउ डज इट है एग्जांपल in ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप इसको बिल्कुल भी मत करना क्योंकि तो ये पूछता है ठीक है एक्सप्लेन द वर्किंगल रूटिंग यूजिंग सब सुटेबल टॉपोलॉजी स्ट्रक्चर एंड रूटिंग टेबल इन सबके बीच भी आप लोग देख लेना ठीक है राइट द स्टेप वर्किंग ऑफ द स्टेट रूटिंग विद डिस्टेंस वैक्टर रोटिंग ठीक है इसको भी आप लोग देख लेना और एक और बात मैं बता दूँ कि आप लोग प्लीज आंसर के लिए कमेंट करो तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी एग्जाम से पहले एग्जाम से पहले क्या मैं कल परसों तक अपलोड कर दूंगी ठीक है यूनिट वन यूनिट फोर के वन में आपको पूछता है आई पेड एड्रेस निकालना बताओ कि कैसे निकलेगा तो आई एड्रेस निकालना सीख जाना क्योंकि आप लोग ये कहोगे तो इसका भी मैं ले आऊंगी ठीक है आई एड्रेस निकालना फिर उसमें पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू क्लासफुल एड्रेसिंग एंड क्लास लेस एड्रेसिंग क्लासफुल और लेस के बीच आपको डिफरेंस बिटवीन पूछेगा एड्रेसिंग इन डिक्रीज इन टेबल साइज पूछेगा तो वो भी आप लोग देख लें वट इज दिन सॉरी फ्रेगमेंटेशन आई बी पी फोर एंड प्रोटोकॉल नीड टू फ्रेगमेंट सम फ्रेगामेंट ठीक है पेज नंबर सिक्स में ट्वेंटी सिक्स में मिल जाएगा आपको राइट द ड्रॉ बैक ट्रांस सॉरी ट्रांसपेरेंट एंड फ्रेगमेंडेशन ऑल्सो डिस्कस नॉन पैरामेंट

ठीक है तो ये जो इसके साथ लेयर होते हैं ट्रांसपोर्ट करके ऐसे एप्लीकेशन लेयर कुछ कुछ करके होता है सात लेयर होते हैं एंड अप एंड डाउन जाता है वो तो वो चीज़ आप लोग देख लेना ठीक है और मैंने बी सी एस इलेवन में ये क्लियर किया था बी सी एस इलेवन के लेक्चर में कि ओ एस एस ओ एस आई मॉडल को कैसे ट्रांसमिशन uh, और जो भी है क्लियर कैसे होता है ठीक है एक्सप्लेन द स्लो स्टार्ट प्रोसेस टू मैनेज कंस्टेबल एंड कंट्रोल द ट्रांसफर क्लेयर ठीक है इसको भी आप लोग देख लेना प्रोसेस का पूछता है एंड क्यू एसओ को क्यू ओ एस भी देख लेना जिसका है टेक्निकल इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट के साथ ठीक है और ये आपसे पूछेगा कि विंडो विंडोइंग क्या है तो वो भी आप लोग देख लेना यूनिट टू में है आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन एंड कंपेयर एडवांटेज फ्लेम रेली ओवर एक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव नेटवर्क ये भी पूछ सकता है ठीक है इसके भी एक न्यूमेरिकल है उसको भी आप लोग देख लेना या मैं करवा दूंगी एटीएम सेल एंड फ्रेम रेली से फ्रेम रेलि दोनों का शॉर्ट नोस पूछेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा सर्विस क्लास एंड क्यू ओ एस का यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस ठीक है ये पूछेगा ये सब पूछ लेता है एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं देखा है तीन क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं देखा है है? लेकिन हां ईटीएम के बारे में पूछा व्हाट इज द टीएम सर्विस क्लास ठीक है डिफर डिफरेंशिएट बिटवीन आईपीवी4 एंड सॉरी सॉरी ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है ऊपर मैंने बताया सो यूनिट थ्री में आपसे पूछेगा वायरलेस जनरेशन एंड जीएमएस आर्किटेक्चर ठीक है वायरलेस में आपको 1g 2g 3g 4G, 4g 4g तक पूछता है तो आप पकड़ तक कर लेना ठीक है और यूनिट फोर में आपको पूछेगा कि ब्लॉक स्ट्रीम सीपर क्या है ठीक है पब्लिक एंड प्राइवेट की भी पूछेगा कैपोटोग्राफ एक्सप्लेनेशन विद आर एस ए एल्गोरिदम विद एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप लोग मिस मत करना ये कैलकुलेशन आपको देगा करने के लिए तो वो भी आपको करना पड़ेगा आर एस वाला ठीक है ठीक है एंड देखो डिफरेंस बिटवीन पूछेगा आर एस ए का और डी ई एस का ठीक है पार्ट है एंड फिर पूछेगा कि हाउ इज ब्लॉक चिपर डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रीम चिपर ब्लॉक चिपर और स्ट्रीम चिपर के बीच कैसे डिफरेंट uh, मतलब ब्लॉक चिपर जो है वो कैसे डिफरेंस uh, uh, है स्ट्रीम चिपर के विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन भी कर देना ओके एंड राइट द स्टेप मैसेज एम डी एफ फाइव एल्गोरिदम का जो भी है हमारा उसको देख लेना तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग चाहोगे तो मैं इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगी एंड 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 आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसके सोल्यूशन लाओ कि नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा एटलीस्ट फो mm, दो तीन वीडियो आ जाएंगे इसके सोल्यूशन के लेकिन आप लोग कमेंट तो करो फिर मैं देखूंगी ठीक है एंड इंड दिस वीडियो आप कहूँगी कि फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक वीडियोज़ को लाइक कर देना जो भी वीडियोज़ मैं डालती हूँ प्लीज़ उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स सबके साथ ताकि मुझे सपोर्ट कर पाओ और आ, मैं यही कहूँगी कि मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोग के लिए लाती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हो किसी किसी वीडियो को आ, मतलब इग्नोर हो जाता है सो कम व्यूज़ हो पाते हैं तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मेरे चैनल को आ, ग्रोथ मिल सके एंड और मैं आप सबकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊ हाँ, वीडियो को बिना स्किप के देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा और जो जो बिना वीडियो के स्किप करके देखा है वो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैंने या मैंने सर कम्प्लीटली देखा ठीक है तो चेक केयर दोस्तों बाय सेफ स्टे हेल्दी